हाँ जी, क्या कहना चाह रही है हुरम आप गाइस को? आप क्या कर रही हो? ये देखिए जी गाइस, मिस जुहा 14 अगस्त की तैयारी करते हुए, और मिस वरीशा यहाँ पे, मिस वरीशा। ओ वरीशा क्या हुआ ऐसे? जी गाइस मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और हाँ जी, हुए नहीं आप रेडी गाइस? मैंने आज ही क्या हुँ? ये देखिए गाइस, ये उम्र है इसकी इससे खेलने की। हाय बस कर दे, हाय बस कर दे, हाय बस कर दे। कहाँ जा रही है? बाहर। किधर? अच्छा टेरेस में जा रहे हैं। चलो यार, आप इस कमरे को भी फुल कर लिया है। मेरी बेटी को पंजाबी बोलने का बहुत क्रेज हुआ है। वरीशा के लिए लाइट तो बंद है। वरीशा कहाँ से बात सुने? नहीं नहीं, दरवाजे के पीछे छुपा था। फिर अयान, अब ये तुम्हारे लिए ये आ रही है। ये तुम क्यों नहीं हेल्प करा रहे बताइए सर? लाइक करें, शेयर करें। वो गाइस कह रहे हैं हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि कैमरा इस तरफ। गाइस आज के ब्लॉग का आगाज कर रही हूँ मैं मिस जोहा के मेकअप से। ये देखें, 14 अगस्त की तैयारी करनी है और मिस जोहा का मेकअप नहीं खत्म हो रहा। ये देख लें इसने क्या क्या लगाया, ब्लश ऑन और क्या क्या लगाया। जोहा दिखाओ, ये देखें पूरा मेकअप वाला ड्रॉ खोला हुआ है। मिस जोहा यहाँ बैठी हुई। अच्छा चलो बंद कर दे, जोहा रेडी हो गई हो? दिखाओ कैसी लग रही है, देखो जोहा जोहा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मिस जोहा अच्छी तैयारी की। चलो जाओ। नो मुस्तफा, नो नो शकर खाने की तो यार सारा बोल बंद है सारा कुछ तेरे खान वास्ते वास्ते। यहाँ पे मिस वरीशा। ओ वरीशा क्या हुआ ऐसे? बैलून्स के साथ लगी हुई है बहुत मजा आ रहा है गाइस। क्या साथ है फातिमा करे? पीछे वैसे एक तस्वीर बनवा लो। हमने बना लिया, हमने बनाया है। तो आप क्या कर रही हो? क्या बना रहे हैं? बैलून्स के। ये देखिए जी गाइस, मिस जुहा 14 अगस्त की तैयारी करते हुए, और मिस वरीशा ने देखे। मिस वरीशा आप क्या कर रही हैं? क्या इसको साथ ही इसकी जबान बंद हो जाती है व्लॉग बनता देख के। हैं मिस जोहा आपका मेकअप कंप्लीट हो गया था? चल मिस जोहा आप क्या बना रही हैं? मिस जोहा ने देखे जी अपनी टीचर से सीखे हैं खूबसूरत से फ्लावर्स बनाने। कैसे बना रही हो जोहा? ऐसे करके ना। हाँ जी, और ये देखे जी यहाँ पे हुरम ने सीजर पकड़ा हुआ, पकड़ो उससे। और ये जी 14 अगस्त की तैयारियां हो रही हैं, और अभी तो ये सब खिलार पड़ा हुआ है नीचे, इसको इग्नोर किया जाए, इसको देखा जाए। मिस परीशा यहाँ पे लगाते हुए जी बैलून्स दरवाजे को डेकोर कर रही हैं। दिखाओ, जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी जैसे कि आप देख रहे हैं बैलून्स पीछे पड़े हुए हैं, सेलिब्रेशन की तैयारियाँ हो रही हैं 14 अगस्त के लिए। और जाहिर है हमारा, आपको पता है इंडिपेंडेंस डे है, और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अच्छे तरीके से। और हमारे साथ रहिएगा, और बस आज घर में खिलार पड़ा हुआ है बस इसीलिए बच्चों के काम शाम हो रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा था कि कल एसी हमारा, वो जो एसी के जो तार थी वो उसको आग लग गई थी, और वो उसका भी काम हो रहा है बस आज घर में। आप यकीन करें इतने हम बिजी हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ साथ बच्चों ने ये सेलिब्रेशन की तैयारी भी कर रहे हैं। और आप लोग बताएं, आप लोग अपनी ये जश्न आज़ादी की 14 अगस्त की कैसे तैयारियाँ कर रहे हैं? और जो इंडियंस हैं वो 15 अगस्त की कैसे तैयारियाँ कर रहे हैं? और उनका तो नेक्स्ट डे ही होता है, हमारा 14 होता है, इंडियंस का होता है 15 अगस्त। और वो आप लोग जी कैसे तैयारियाँ कर रहे हैं? हाँ जी, क्या कहना चाह रही है हुरम आप गाइस को? देखो मैंने इतना बड़ा हुआ है। जबरदस्त जी गाइस, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और अब देखें कि इमरान आते हैं हम लोग अब क्या करते हैं। और आज मेरा पकाने का क्या इरादा है ये इमरान से मैं पूछती हूँ, और उसके बाद ही ये फाइनल होता है। और मैं अभी तक बैठी हुई हूँ, 7:30 हो चुके हैं, मुझे कोई अता पता नहीं है कि क्या खाना पकाना है। अयान, अयान ये सोफा इधर कर दो बेटा। अयान जल्दी उठो, आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि ज़्यादा वीडियो आपकी बनाया करो। चलो उठो। सब तो निकम्मा भी इसका। ये इसने कुछ भी नहीं करवाया,
ये आराम से दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। मैं इसको गाइस सोफों का कह रही हूँ कि सोफा इधर कर दो और ये सिर्फ आपके कहने पे उठाएगी। देखें इसको पता है क्या व्लॉग बन रहा है। चलो मरीशा जो चलो करो काम, अयान अकेला कर लेगा, मर्द को दर्द नहीं होता, साथ हेल्प तो करवाओ उसकी। किसका टैलेंट? सोफा इधर ही सीधा कर लो जैसे था पहले। हाँ हाँ ऐसे ही करने लगे हैं ना, यहाँ पे सोफा कर ले। आप क्या कर रहे हैं जी? आपका आज क्या दिल चाह रहा है खट्टा मीठा खाने को? पहले ये तो पूरी कर देना अपनी, 14 अगस्त का पूरा कर दिए घर की डेकोरेशन, फिर चलते हैं कुछ खाते हैं। चले ठीक है और चलो उठ जाए। ये अयान सख्त होते हुए, लेकिन उसने जैसे देखा कि व्लॉग चल रहा है अयान साथ ही नरम हो गए हैं। अयान चलो करो मरीशा पकड़ो यहाँ से चलो साथ बेटा, तो भाई की हेल्प भी करवाते हैं। वैसे व्लॉग बना के ना इनसे काम करवा लिया करूँ सारा दिन। क्यों अयान बेटा, कुछ तो लोगों को पता चले कि 14 अगस्त में मिस्टर अयान ने बैलून्स पे पैर मार मार के उनको गिराया था। ये देखे जी, ये देखे। यार ये एक साथ लगी पड़ी, इसका कोई जोर नहीं है, ये सिर्फ ऐसे टच कर रही है। खराब ना कर देना, हाँ तुम कर रही हो ना उससे हो नहीं रहा। ये देखें गाइस हुरम और अयान मिल, अयान वो कर्टन फट जाएगा बेटा। ऋषा तुम देख के करो, उसने तो हर चीज वो कर लेनी है। गाइस आप लोगों के बच्चे भी इतनी अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करवाते हैं जैसे मेरे बच्चे करवा रहे हैं, माशाल्लाह से अल्लाह ने नजरे बद से बचाए। ये देखें गाइस, ओहो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच मिस्टर अयान। आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि ज्यादा आपकी वीडियोस बनाया करें। क्यों अयान? वो कह रहे हमें अयान की ना हरकतें दिखाया करें घर में। ये देखे जी हमने सोचा था लाइट लगाने का, बट कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल रहा। बात सुने, कोई और भी तो इलेक्ट्रीशियन मिल सकता है। चलो हमारा वो बंद को मुंह सीधा करन दे अपना, थोड़ी देर में मिनट बाद कैमरा मेरे आने करके बात सुने मैं केड़े कोने से छुप के रहा हूं। आप मेरी बात सुने, कौन से छुप के आपने रेडियो ने? माशाल्लाह शेरों के मुंह धुले ही होते हैं। हम आपके करेक्टर एक्टर हैं। हाँ जी हम आपके वो क्या कहते हैं एक्टिंग स्टार हैं इसमें, तो हाँ सामने अपना मुंह तो सीधा करन दे करो। अच्छा चले मुझे बताएं किसी और इलेक्ट्रीशियन को बुला लें। छुप के गया तो थोड़ी देर में बात सुने। गाइस ये देख लें, मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। आप लोग कहते हैं ना अयान अब ये अरेंज करो कहीं से, ये लाइट्स लगानी है हमने टेरेस पे, कुछ तो काम करो। इलेक्ट्रीशियन गए होते हैं 14 अगस्त के लिए, इलेक्ट्रीशियंस गए होते हैं तो नहीं ये काम कर सकता यार। भैया लग जाएंगी लेकिन। हाँ जी हुए नहीं आप रेडी गाइस? मेरे आज क्या हो, ये देखें गाइस ये मेरी वीडियो बनाते हुए शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती है। मैं तेरी अच्छी बना रही हूँ, तू मेरी उल्टी सीधी बना रही है। कोई ना कोई इमोजी लगा के मेरी वीडियो बना रहा होगा फजूल से। आप रेडी हो चुके हैं? रेडी होने से पता था कि मैंने मुंह धो के आया था भाई से फ्रेश होके, तो मैं ये सब अब ये देखे ना सेटिंग दिखाई है सबको कि नहीं? अब ये बाहर बालकनी में लगाने हैं आप लोगों? हाँ जी ये बालकनी में लगाने हैं। चलें फिर ये डबल टेप से लगी है, डबल टेप से लगा देते हैं 2 मिनट में लगा। ये देखे जी हसन के काम, हसन ने जी लाइट चला दी है और मैं मना भी कर रही थी हसन ना चलाओ ना चलाओ, फिर हिल गई वो आपकी पैर से आपसे हिल गई। ये देखिए ये चल रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है वैसे ये लाइट्स। कोई और इलेक्ट्रीशियन तो आ ही सकता है अंदर कमरे में। चल मैं ये ऐसे पकड़ लेते हैं इन तारों को, ये कलर भी चेंज होते हैं ना वो बटन से। हसन छोड़ छोड़ छोड़, मैं तो रखती हूं यहां को पहनवा देती हूं ऐसा। ये देखे तार वैसे लग तो खूबसूरत रही है ना, जो आके बर्थडे के लिए रख लेते हैं। हाय बस कर, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई, वगैरह बच्चे डर गए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इतनी तार से कभी भी करंट नहीं लगता। यानी कि मैं इमरान के प्रैंक में नहीं आई, यानी कि आपका प्रैंक क्या हो गया ऋषा, वो क्या कहते हैं फ्लॉप। ये हो भाई एलईडी के पीछे से ओ चाचा क्या कर रहे हैं आप लोगों को, तो सेटिंग में नहीं करनी आती। बस करें ना ना ये बिजली का काम ना करे, बिजली वाले इलेक्ट्रीशियन कोई भी आ सकता है। इलेक्ट्रीशियन ही मिलेगा क्यों? 13 अगस्त वो कहता ना सुबह आ जाऊंगा। चलो सुबह करवा लेंगे, कल करवा लेंगे। छोड़ दो छोड़ दो बेटा छोड़ो, ये देखना ये बच्चे बजीद है। बस जी ये हुरम का हाल है, हसन का देख लें। बस करो हसन बंद कर दो, इसको स्विच ऑफ कर दो बेटा।
हसन छोड़ दे, मैं कह रही हूँ ये वरीशा तुम भी छोड़ दो। ये आपके देखा है कि बच्चे कितने एक्साइटेड हुए हैं गाइस कि आज हमारी 14 अगस्त की खत्म मिली। हाँ ये सारे ये देखना ये शॉपर में पड़े हैं, चलो पैक करो इसको हसन, ये इस तरह खराब हो जाती है। ओ वो ड्रिफ्ट लगा रही है बॉस ने स्विच के अंदर। लो ये आराम से स्विच ऑन था और इसने बीच में तार डाल दिए। कितनी गलत बात है वरीशा। कहाँ जा रही है? बाहर किधर? अच्छा टेरेस में जा रहे हैं। चलो यहाँ आप भी उठाओ बेटा इनके साथ बैलून। उठ जाओ, चलो चलो ये तो फेंटी लगेगी। चल उठो उठाओ बैलून उठाओ, चलो चलो उठो 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 चलो बैलून। यान भैया को भी पकड़ाओ बेटा बैलून, आप लंबे हो यान टेरेस पे लग जाएंगे। चलो ये गाइस इसको धक्के से काम करवाना पड़ता है। चलो बैलून यान भाई को भी पकड़ाओ, चले ये देखें जी सारे, चलो लेके चलो ये देखो जी हुरम से पकड़े नहीं जाते, उन्होंने मुंह में डाले। ले आओ फातिमा तुम भी ले आओ जल्दी से। गाइस ये उम्र है इसकी इससे खेलने की। इस कमरे को भी फुल कर लिया है। अबे यार आप जो टेप लगा के दो ना। मेरी बेटी को पंजाबी बोलने का बहुत क्रेज हुआ है। वरीशा कहाँ से बात सुने, इधर नहीं लगाना ये, इधर टेरेस के ऊपर ये इधर लगा दे। हाँ इधर लगा दे ऐसे, ये सुबह तक जितनी धूप होनी ना पटाखे ऐसे बजने। चलो कुछ तो लगेगा ना, पापा इसको नीचे करो। बस ठीक है ठीक है, नहीं बस ठीक है ऐसे ही रहने दे, जो गिरेगा चलो कोई बच्चा उठा लेगा। ये देखिए अब एक है, नहीं नहीं ये उतर जाता होता, डबल टेप है ना। ये देखे ऐसे, हाँ ये सही है, ऐसे जोर से चिपका देना फिर नहीं हो। हाँ ऐसे ये देखे, ये आप अगले सारे टेरेस को सजा रहे हैं बैलून्स लगा के, लोग झंडियाँ लगाते हैं, हम बैलून्स लगा रहे हैं, बैलून्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलो अगर नीचे गिरेंगे भी झंडियाँ नहीं, बैलून बच्चे खेल लेंगे। ये देखे बेटा बैलून दो, थोड़ा गैप करके ना बस लगा दे, काफी ज्यादा बैलून्स हैं, गैप करके उधर से फिर गैप हो जाएगा। हाँ चले अब थोड़ा गैप कर करके लगाते जाए, ये इस तरीके से कर। क्या कह रही हो मिस फरीशा? चाचा ना बनाओ बेशक, एक एक भी बहुत है, एक एक भी बहुत है, एक एक भी बहुत है। सब ठीक है, काम सही हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक, कंपनी काम सही कर रही है। हाँ जी कंपनी आपके भी काम कर रही है, साथ मेरा किचन में भी देखे मसर चावल बना रही हूँ आज मैं, अगली कंपनी भी काम पूरा पूरे कर रही है। गाइस के लोग मुझे अक्सर कहते हैं ना तो इमरान बड़े वो होते हैं, कैसे कर लेती है इतना कुछ। ये अगर मैं व्लॉग था ना बना रही थी फिर मैं आपको बताती कि बैलून लगाने कैसे सारे। ये गाइस ये देख लें, ये उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े देखना कैसे लगाए हुए, कोई दो आ गया कोई तीन आ गया, बस ठीक है ऐसे ही ठीक है, अब लगा ले अब आगे आपको जो पकड़ाने वाली आवाम भी बड़ी सुस्त है। ये देख ले मिस वरीशा यहाँ खड़ी। जोहा किधर है? जोहा कमरे में, जोहा को बुला के लाओ और अयान को ठहर मैं बुला के लाती हूँ। देखें ये बच्ची सब और ये बच्चे सब लगे हुए हैं और अयान किधर है ठहर मैं आपको बताती हूँ। मैंने साथ रखे ये आप हाल देख रहे हैं इस लड़के का, ये आप इस लड़के का हाल देख रहे हैं। अयान तुम्हें जब मैंने कहा था कि आओ आगे करवाओ पापा के साथ सोफा सेट कर लो, क्या सोफा सेट, चलो आओ पापा के साथ बैलून उठाओ, चलो आ जाओ वो वाले बैलून वहाँ पड़े उठाओ, चलो आओ पापा की बेटा हेल्प करवाते हैं। शेम हो रही हो यान, इतने बड़े हो के आप पापा की हेल्प नहीं करवा रहे हैं बेटा। ये देखें कितना माशाल्लाह मेरा फरमा बरदार बच्चा है, मेरे कहने पे ही चल पड़ता है और जब मेरा ध्यान इधर उधर लगता है तो निकल जाता है। ये किचन में देख लें जी मसर चावल बन रहे हैं, दरवाजे के पीछे छुपा था फिर अयान, जान को मैं दरियाफ्त करके लाई हूँ कहीं से, ये अब आपकी हेल्प करवाने आया है। जाओ अंदर बेटा टेरेस पे जाओ, अब अगर तू शूज पहने ये देखें ये टेरेस पे। हुरम क्या हुआ है, क्यों चीखे मार रही हो? ये देखें गाइस ये इधर बेड के नीचे घुसी हुई है बैलून्स निकालने के लिए, बच्चों ने तो वो कर दिया बैलून्स का और ये इमरान सारा डेकोरेट कर रहा है। ये और अभी लाइटिंग भी हम करवा सकते थे बट ये कि इलेक्ट्रिशियन नहीं था। हुरम क्या मसला, नीचे क्यों फंस गई, फंसा क्या हुआ है? देख जरा हुरम रोने की कोई जरूरत है, बैलून्स बहुत ज्यादा है हुरम बाद में ले लेना। ये फिसलना चाहिएगा, इधर थोड़ी सी वो है पानी गिर गिर के एसी का, मैं यहाँ से गिरी थी एक दफा वीडियो लाइव बनाते बनाते और मेरे बालों में भी छिपकली का बच्चा चला गया था, याद आया आपको कुछ? वरीशा को याद, वो जी हमारी लाइव स्ट्रीम है व्लॉग बनाते बनाते ना मैं टेरेस में गिर गई थी,
दड़ाम करके गिरी थी और मेरे बालों में छिपकली का बच्चा भी चला गया था। ये इस तरह ना ये टेरेस में प्लांट्स मेरे खराब हुए हैं गर्मियों में और मिस वरीशा भी नहीं जा रही आगे। क्यों मिस वरीशा आप डर रही हैं? कुछ तो बताएं। डर लग रहा है छिपकली का बच्चे से। ये जो आपकी जो अचानक से प्रैंक है ना इनसे नहीं हमें डर लगता। दो बैलून है कहीं एक एक भी आ रहा है फिर कहीं दो आ जाते हैं। ये ना हो कि सुबह उठ के सारे गली वाले हम पे हंसे। ये लो गाइस ये देखिए टेरेस ये देख ले कहीं हमारे हम चार बैलून से स्टार्ट हुए थे फिर तीन दो एक दो एक एक स्टार्ट हो गए। वरीशा निकालो फिर मारो। खैर अब आओ जरा वरीशा को मार के आते हैं। चलो अब किधर है मेरी वरीशा? ये जान के ना वॉशरूम में घुस गई है। ये आती है तो खुद हम इसको बताते हैं। गाइस आज मेरा यही दिल था कि मैं मसल बना लूं और मसल बना रही हूँ जी मैं। ये डोई मैंने उठाई है अब ये बात नहीं है मैंने डोई उठाई है यान के लिए। क्यों? ये आपके साथ हेल्प नहीं ना करवा रहा ये अब इसको मैंने लगानी है जाके। अब ये तुम्हारे लिए ये आ रही है। ये तुम क्यों नहीं हेल्प करा रहे बताई सर? करवा ये तेरे ये इधर लगेगी है ये तेरे क्यों ना लगे ये गाइस आप कहते हैं कि ये ऐसे इसको कितनी दफा मैं लेके गई हूँ और पापा देखो गर्मी में बदहाल हो गए। किसको लगा रहता है मोबाइल पे ये? मैं हाँ बताई बताई तेरे क्रेज क्यों है यान आपको मोबाइल का बताइए जरा। चिंता हो गया भैया क्या चाहिए आपको? मेरी बेटी को लूडो चाहिए। लूडो चाहिए? मैं और हुरम जा रहे हैं हमने लूडो लेनी क्योंकि अच्छा। पहले दही बड़े खाते हैं आगे फिर लूडो लेते हैं इसको लूडो लेके देनी अब और इसको ना वो मिस वरीशा ने मारा और ये देखे गाइस मिस वरीशा मेकअप करते हुए इनका ये जो मैंने जब से दराज में चीजें रखी हुरम को लेके देनी है बस ठीक है। वरीशा इतना मेकअप क्यों कर रही हो बेटा? मिस वरीशा ये देखे गाइस मिस वरीशा मेकअप करते हुए ये देखे ये देख आपको क्या लग रहा होता है ये गाल पिंक है ये ब्रश लगा। आज जोहा ने इतना मेकअप किया और आप ये भी कर रही है ये दोनों भी माशाल्लाह से उठ गए हैं दोनों उठते साथ ही बैलून्स को देख रहे हैं। हेलो बेबी ओए बेबी सो क्यों उठे? हुरम साथ ही आ जाती है। हुरम आज आप दोनों ने येलो पहना घर के दो स्टार हैं ये दो स्टार हैं और मुस्तफा हुरम और मुस्तफा के नाक पे बेचारे पे चोट लगी हुई है दोबारा लग गई वही वाली जो चोट लगी पीला पीला हुआ है नाक सूजा हुआ है इसका स्वेलिंग हुई हुई है। ये मेरा गुड्डा देख ले माशाल्लाह प्लीज से माशाल्लाह ओए माशाल्लाह नन्नू नन्नू की 14 अगस्त होने वाली है ओए बेबी ओ नहीं सेकंड है सेकंड है सेकंड वो हो लोग और लगा रहे माशाल्लाह जी गाइस अयान आज मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर अयान कुछ कहना चाहेंगे आप व्लॉग एंड करें। हेलो गाइस को खुदा हाफिज़ कह दो आज हम जल्दी जल्दी बिजी हैं। बाय बाय नहीं सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें गाइस सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें। वो गाइस कह रहे हैं हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे क्योंकि कैमरा इस तरफ। हाँ जी इतने प्यारे लग रहे हाँ जी जी और जी दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं कल। वो देखे पीछे इमरान पैसों के साथ कर रहे मैंने पकड़ लिया ताकि मुझे दिए जाए पैसे और व्लॉग एंड कर ले आज हम बिजी हैं काफी ज्यादा। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आज तक की वीडियो इधर तक इतनी ठीक है क्योंकि आज हमने कहीं जाना है। हाँ जी इंशाल्लाह कल का व्लॉग थोड़ा लंबा होगा और हमारे इतने प्यारे जो फॉलोअर्स हैं सब्सक्राइबर हैं कहते हैं कि आप आधे घंटे का व्लॉग अपलोड किया करें। आप यकीन करें मेरी इसी में मतलब क्या मेरी बुरी हालत हो जाती है इंशाल्लाह। और जी दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और इंशाल्लाह कल का जो ब्लॉग होगा वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। और बस ये बहुत ज्यादा बिजी हूँ किचन में भी काम कर रही हूँ और बाहर भी जाना है कोई काम शाम है इमरान के साथ और फिर इसलिए ब्लॉग का जल्दी से एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करूंगी। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।